टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, जी हाँ, टाटा मोटर्स, जो आप देखते हैं ऊपर से अच्छी खासी गिरावट हो गई है शेयर में। लगभग 30-35% का यहाँ पे डाउनफॉल देखा जा रहा है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और इस गिरावट में देखते हैं 30-35% एक एवरेज गिरावट है। निफ्टी जहाँ पे हम देखते हैं ऊपर से 10% गिरा है, मिड कैप स्मॉल कैप लगभग 11-12-13% गिरे हैं, वहीं पे किसी किसी इंडिविजुअल स्टॉक में 30-40-50-55% तक की गिरावट देखी गई है। हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो शेयर नीचे से 10-10-15-15 गुना हो गई है उनमें ऊपर से देखते हैं तो डिस्काउंट 30-40% है, लेकिन नीचे से जो लोग उसको पकड़ के बैठे हैं उनका वो 15x अब जाके लगभग 10x हो गया होगा या 8x हो गया होगा, लेकिन अभी भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर में एक पैनिक की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। कुछ लोग अपने शेयर भी बेच रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टर है तो हमें चुपचाप बैठना है अच्छे शेयरों में जहाँ पे अर्निंग अच्छी है। किसी 1-2-3 क्वार्टर में अर्निंग डाउन है, कोई बात नहीं, मैनेजमेंट की वहाँ पे गाइडेंस देखो, मैनेजमेंट का आउटलुक देखो, मैनेजमेंट साउंड कैसा कर रहा है कौन कॉल में। आप हमेशा मैनेजमेंट का कौन कॉल सुना कीजिए, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम पहले से ही ये सुनना स्टार्ट किया कौन कॉल, क्योंकि 1-1.5 घंटे की कौन कॉल होती है सबके शेयर पोर्टफोलियो में, देखते हैं 30-40-50 कंपनियाँ होती है, कौन इतनी कॉल कौन सुनेगा। लेकिन आप शेयर उतने ही रखिए जितने शेयर को आप ट्रैक कर सके। चलो, कमिंग टू द टॉपिक, लार्ज कैप कंपनी है, ऊपर से देखते हैं तो लगभग 35% की गिरावट है। मैं आपको बता दूं, मैंने भी शेयर में अभी ख़रीदारी करी है, आई थिंक 800 के लेवल पे, मेरा भी आई थिंक 3% अभी टूटा हुआ है शेयर अभी तो। लेकिन क्योंकि ये नीचे से अच्छा खासा चला हुआ है तो इन शेयरों में मैं ज़्यादा भी नहीं डालूंगा, क्योंकि नीचे से हम देखेंगे 10 मल्टीपल अभी भी ये रिटर्न दे रहा है। स्टॉक पे लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, 9 ROE एक्सीलेंट है 49 का। डेट कंपनी ने बोला है अपने कॉनकॉल में कि उनका टारगेट है अगले साल तक इस डेट को वो जीरो करेंगे, और आउटलुक भी इनका काफ़ी पॉजिटिव था। चाइना में भी कह रहे थे कि धीरे धीरे डिमांड इनकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही है, डिमांड जनरेट हो रही है। तो जगुआर लैंड रोवर को देखते हुए, चाइना मार्केट को देखते हुए मैनेजमेंट काफ़ी साउंड पॉजिटिव कर रहा था, अगर मैं कॉनकॉल की बात करता हूँ तो। पैग रेशियो देखिए आप, आपने शायद ही किसी कंपनी का देखा होगा 0.09, यानी कितना ग्रोथ इस कंपनी में, इस शेयर में हमें दिखता है। अब अगर हम देखते हैं 5 साल में, कोविड से पहले ये लगभग 160-170 का शेयर हुआ करता था, कोविड के टाइम में शेयर लगभग 70 रुपये का भी आ गया था, वो 70 वाला शेयर आज भी लगभग 800 रुपये का शेयर है, यानी लगभग 11 गुना पैसा इसने अभी भी बना रखा है जो नीचे से होल्ड करके बैठे। ऑब्वियस सी बात है 1000 में से 2-4 बंदे 5 बंदे होंगे जिसने इसको होल्ड किया होगा 70-80 के लेवल को परचेज करके अभी तक। और ऊपर देखते हैं तो लगभग ये 1200 गया था, यानी यहाँ पे इसने अच्छा खासा 13-15 मल्टीपल बना दिया था। और पिछले 6 महीने में देखते हैं तो अच्छी खासी गिरावट देखी गई है यहाँ पे। हालांकि मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे अच्छे खासे शेयर बेचे हैं अपने जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में, तो ये जो हम बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि मैनेजमेंट ने अच्छे खासे शेयर बेचे होंगे। जुलाई अगस्त सितंबर में मैनेजमेंट ने लगभग 3-4% का स्टेक यहाँ पे सेल किया है जुलाई अगस्त सितंबर, यानी इस वाले लेवल पे। अब इसका अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो अभी इसका रिजल्ट आया कुछ टाइम पहले, सितंबर 23 में जो रेवेन्यू पहले लगभग 11,000 करोड़ था, वो सॉरी 1,10,000 करोड़ था, सितंबर 23 की हम बात कर रहे हैं 1,05,000 करोड़ था, जो कि अब लगभग कांस्टेंट है 1,01,450 करोड़। हाँ, लेकिन अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो पहले एक्सपेंस हुआ करता था इसका 91,000, जो कि अब हो गया है थोड़ा सा रिड्यूस होकर 89,000। प्रॉफिट देखते हैं, लास्ट क्वार्टर में आया था सितंबर 23 में 3832 करोड़, जो कि अब डिक्रीज होके, हालांकि ज़्यादा डिक्रीज नहीं है, 10-12% का डिक्रीज है, 3450 करोड़। तो प्रॉफिट में कोई खास गिरावट नहीं है, 10-12% इस मार्केट में तो स्टॉक टॉलरेट करता है, लेकिन ऊपर से क्योंकि चला हुआ है, मैनेजमेंट ने अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग करा है। मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखा देता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग 46 एंड सितंबर में ये होल्डिंग लगभग 4% से डिक्रीज हो गई, यानी लगभग मैनेजमेंट ने अपना 8-10% स्टेक यहाँ पे सेल किया है। FII/DII को देखते हैं तो उनका स्टेक लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, हालांकि थोड़ा सा बोल सकते हैं इंक्रीज करा है, पब्लिक ने भी इंक्रीज करा है, सब ने इंक्रीज करा है, बस सेल किसने किया है, प्रमोटर ने। और ऑब्वियस सी बात है जो पैनिक सेलर है, पैनिक रिटेल इन्वेस्टर है, वो भी शेयर को सेल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको 1100 में एंट्री करी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उनको 10-20% का लॉस हो रहा होगा, तो कुछ लोग निकल रहे होंगे। रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं, पहले लगभग 32-40 लाख यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर हुआ करते थे, जो कि अब इंक्रीज होकर लगभग 57 लाख तक पहुँच गए, जो कि अब 60 लाख तक हो गए होंगे। तो मैं आपको अपनी होल्डिंग दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने होल्डिंग अभी बनाई है।
800 रुपये की मैंने अभी इसमें एवरेज, अभी फर्स्ट मेरी परचेजिंग है। अगर ये और डाउन जाते हैं लगभग 730-740 आएगा तो थोड़े से और ख़रीद लेंगे। इन शेयरों में मैं ज़्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा अपने पोर्टफोलियो का, 2-3% आई थिंक 3% बहुत है। क्यों? क्योंकि ये नीचे से अभी भी 10-10 गुना ऊपर चले हुए हैं। ऐसा नहीं कि नीचे से चले ही नहीं है, शेयर 10-12 गुना अभी भी नीचे से चल चुके हैं। तो हाँ, जैसे जैसे नीचे आएगा हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप और मैं हैं तो हम लोग इसको चाहे तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ किसी पर्टिकुलर शेयर में। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।